हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी महोदय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी महोदय ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या हम इंडक्शन को इन्वर्टर से चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो आइए मैं आपको इंडक्शन पहले दिखाता हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ हमारे पास जो है कि इंडक्शन है और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो इंडक्शन है ये जो है कि मैनुअल है, ये जो इसको कि हाथ से चलाया जाता है और इसमें जो है कि यहाँ आप देख सकते हैं बटन दिया गया है, इसको बटन से ही कंट्रोल किया जाता है। और कुछ इंडक्शन स्मार्ट इंडक्शन भी होते हैं और कुछ इंडक्शन टच वाले भी इंडक्शन आ चुके हैं नए, तो उसमें टचिंग बेस पे वहाँ बटन नहीं दिया जाता है, उसको टच करके ही कंट्रोल किया जाता है। और इस तरीके से अनेकों ढेर सारे इंडक्शन है और इंडक्शन में एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ जो है कि आपको यहाँ आपको देखना है कि ये कितने वाट का है। तो आप इसका पीछे इसके देख सकते हैं कि ये कितने वाट का है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा इंडक्शन है वो 1600 वाट का है। यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं वाट ये 1600 है, 1600 वाट का इंडक्शन है। तो 1600 वाट का जो ये इंडक्शन है हमारा, इसको हम बिजली से एसी से चलाते हैं, सभी इंडक्शन को एसी की ज़रूरत होती है। तो इसको क्या हम इन्वर्टर से भी चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके घर में नॉर्मल सा इन्वर्टर लगा हुआ है बत्ती पंखा चलाने के लिए, अधिकांशतः घरों में नॉर्मल सा ही इन्वर्टर लगा होता है जिससे कि हम बत्ती और पंखा चलाते हैं, टेलीविज़न भी चलाते हैं, टीवी भी चलाते हैं, कुछ अन्य छोटे छोटे सामान भी हम चला पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल सा इन्वर्टर होता है उसका जो है कि इंडक्शन के वाट के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडक्शन को कितना लाइट चाहिए, वो कितना उसको ऊर्जा चाहिए, वो कितने ऊर्जा में चल पाएगा। तो जब हमारा नॉर्मल इन्वर्टर जो होता है वो लगभग 150 एम्पीयर की बैटरी होती है जिसपे कि हमारा 1000 वाट तक का मशीन लगा होता है। तो 1000 वाट के मशीन पे हम जो है कि 1600 वाट का ये इंडक्शन नहीं चला सकते हैं क्योंकि उस पर ओवरलोड होने लगेगा। तो जिन घरों में नॉर्मल इन्वर्टर लगा है उन घरों में ये इंडक्शन 1600 वाट का इंडक्शन नहीं चल पाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास हैवी क्वालिटी का बड़ा इन्वर्टर है जिसमें कि डबल बैटरी लगी हुई है, जिसकी मशीन 2000 वाट के ऊपर की मशीन है, वो इन्वर्टर इस इंडक्शन को चलाने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। कम पावर के इंडक्शन को कम पावर की मशीनें चला पाएंगी, जो कम वाट के इंडक्शन हैं उनको छोटी मशीनें भी चला पाएंगी, नॉर्मल मशीनें भी चला पाएंगी। तो ये आपके इंडक्शन के वाट के ऊपर और आपके इन्वर्टर के मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इन्वर्टर मशीन कितना लोड ले सकता है और आपका इंडक्शन कितना लोड उसको चाहिए, वो कितना उसको करंट चाहिए, वो कितने वाट का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो इंडक्शन है, अगर इसको हम नॉर्मल इन्वर्टर से चलाने की बात करें तो ये नॉर्मल इन्वर्टर से हमारा नहीं चल सकता है। हमारे पास हैवी इन्वर्टर होगा तो ये चल पाएगा। तो अगर आप इन्वर्टर से चलाना चाहते हैं तो यहाँ फुल डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं और यहाँ वीडियो में आप बताए गए नियमों के अनुसार आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके घर में हैवी वाला इन्वर्टर है ज़्यादा पावर का है या फिर आपके घर में लो पावर का इन्वर्टर है मीडियम पावर का है, तो वहाँ आप दोनों का तालमेल बिठा सकते हैं कि हमारा इंडक्शन कितने वाट का है और हमारी मशीन कितने वाट की है, हमारी मशीन इस इंडक्शन को चलाने में सक्षम है या नहीं है। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी महोदय ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।